नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जनसदन। जनसदन में आज मुख्य मुद्दा यह कह लीजिए कि आज इस प्रदेश के लिए बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि यह प्रदेश 19 वर्ष का हो गया और इस 19 वर्ष में हमने क्या पाया, क्या खोया। 19 वर्ष के पहले हमारे साथ ऐसे लोग बैठे, वो बताएंगे कि राज्य के निर्माण के लिए जब वह संघर्ष चल रहा था तो क्या उन्होंने उम्मीद की थी कि जब 19 वर्ष का ये राज्य बन जाएगा, वयस्क हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो आज जो परिस्थितियां उनके सामने है, क्या उनको ये उम्मीद थी कि ये परिस्थितियां होंगी या इतना सुंदर राज्य उनके सामने होगा। इन दोनों पक्ष पे बात करेंगे, क्योंकि 19 वर्ष के दौरान जिसलिए ये राज्य बना, बेरोजगारी दूर हुई, पलायन रुका, उन पे तो हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस 19 वर्ष के दौरान हमने क्या नहीं देखा। भ्रष्टाचार के हम इतने आरोप देख लिए, 56 घोटाले देखते हैं, स्टडिया प्रकरण देखते हैं, पावर प्रोजेक्ट घोटाला देखते हैं, एनएच घोटाला देखते हैं, और इन सब के साथ हम वह चीज देखते हैं कि जो कि 50 वर्ष के राज्य ने नहीं देखा, राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप कुकरेती जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका, प्रवीण जी आपका। कुलदीप सिंह जी है, कुलदीप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़े नजदीक से ये उन पहलुओं को देखते हैं, क्योंकि पहाड़ का दर्द इनके अंदर हम देखते हैं कि जब ये लिखते हैं या स्क्रीन पे बोलते हैं तो वो दर्द झलकता है। तो इनसे हम ये बात करेंगे कि ये अपने जब ये युवा हैं और युवा के दौरान क्या इस 19 वर्ष के युवा प्रदेश के साथ वही होना चाहिए जो हो रहा है। हमारे साथ अभिजय नेगी जी है। अभिजय एक ऐसी शख्सियत है जिनको हमारे समझ से परिचय देने की जरूरत नहीं है। अधिवक्ता तो है ही, लेकिन उत्तराखंड का ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं कि गरीब तबका और कह लीजिए कि निर्मल वर्ग का जो समस्या राज्य तक नहीं पहुंच पाती और उसको नहीं सुलझा सकते, उस पर ये काम करते हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम भट्ट जी हैं, बहुत बड़ा सामाजिक संगठन, अपना परिवार चलाते हैं और अपना परिवार का काम ही है कि हर उस परिवार तक पहुंचना जो उपेक्षित है, या कह लीजिए राज बनने के बाद उसे वह चीज नहीं मिली जिसकी उसको दरकार थी। इन सब के साथ सरकार का पक्ष रखने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ संदीप राणा जी हैं। सबसे पहले हम कुलदीप के पास चलेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी हैं, पत्रकार हैं। कुलदीप जी, 19 वर्ष हुआ है इस राज्य को बने, क्या आपको लगता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का संघर्ष व राज्य का निर्माण हुआ 19 वर्ष में पूरे होते नहीं रहा है? देखिए, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्थायी नहीं, ये निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसको आप किसी समय या देश काल में इसको आप बांध नहीं सकते। पिछले 19 वर्षों में राज्य ने क्या खोया, क्या पाया, इस पर चिंतन जरूरी है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि हम उंगली किसकी तरफ उठा रहे हैं, क्या हमारे निशाने पर सिर्फ इस प्रदेश की राजनीति के हैं, या कहीं ना कहीं हम इस प्रदेश की जो 1.9 करोड़ की आबादी है, हमने अपने राज्य के निर्माण में क्या भूमिका निभाई है। क्योंकि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था और उत्तर प्रदेश की सरकार में आरक्षण के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ और धीरे 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 आरक्षण के आंदोलन ने गति पकड़ी और ये राज्य निर्माण के आंदोलन में ये तब्दील हो गया और वहां से बढ़ते हुए 9 नवंबर 2000 को हमें उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुए। हम अपने उस दौर में हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हम लोग अपने नेताओं से भाषणों में सुना करते थे और उनसे बड़ी ऊर्जा भी लेते थे कि हमारे पास बद्रीनाथ केदारनाथ है, हमारे पास चार धाम है, हमारे पास नदियां हैं, हमारे पास पहाड़ हैं, हमारे पास पर्यटन है। इन मुख्य मुद्दों को लेकर के जो हम राज्य की आय के स्रोत हो सकते थे, राज्य के विकास में एक नए मानक हो सकते थे, इन 19 वर्षों में कहीं ना कहीं हमने इन मुद्दों को धीरे 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 गौण कर दिया है, पीछे धकेल दिया और अन्य मुद्दे हमारे इसमें आगे आते गए, हावी होते गए। पहाड़ में जल, जंगल, जमीन के जो बुनियादी मुद्दे थे जिनको लेकर के उत्तराखंड की कल्पना की गई थी, आज अगर हम पिथौरागढ़ से लेके चमोली से लेके देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुड़की तक देखें
तो जमीनों को लेकर के जो जो लड़ाई चल रही है, बल्कि लड़ाई ना कह करके इसे जंग कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि ये एक ऐसी जंग चल रही है जो अंदर विरोधों के साथ साथ इस राज्य को खोखला कर रही है। सही बात है प्रवीण जी, जैसा कुलदीप जी ने कहा, क्योंकि पत्रकार हैं, नजर इनकी हर चीज पे रहती है। बात 19 वर्ष में हम उस परिस्थिति की भी कर रहे हैं कि जिस तरह के भ्रष्टाचार इस प्रदेश में उजागर हो रहे हैं। डेवलपमेंट की बात तो कहेंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सतत प्रक्रिया है, वो तो होती है। किसी को भी मुख्यमंत्री बना दीजिए, किसी को भी मंत्री बना दीजिए, किसी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, सड़कें बननी है तो बननी है, बिल्डिंग बनने हैं तो बनने हैं, रोजगार के साधन तलाशा जाना ये महत्वपूर्ण था, बेरोजगारी रोका जाना ये महत्वपूर्ण था, पलायन जो इस प्रदेश से लगातार जारी है उसको रोकने की बात होनी चाहिए थी, काम होना चाहिए था। तो उसमें हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहें। देखिए, कोई भी चीज को खड़े रखने के लिए उसका वायबल होना बहुत आवश्यक है। जी उत्तराखंड में जो पिछले 10-12 वर्ष विगत वर्षों में आपने देखा कि कोई डेवलपमेंट नजर आया, वो डेवलपमेंट केवल कैपिटल गेन का डेवलपमेंट था। एक व्यक्ति अपनी जमीन बेचता है, उससे कुछ पैसा आ जाता है और उस पैसे को खर्च करता है। उस जमीन को खरीदने वाला कौन था, इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान देने का विषय यह था कि ज्यादातर यह पैसा भ्रष्टाचार का था। हमारा जो प्रशासनिक तबका था, राजनीतिक तबका था, और उनके साथ जो कुछ जुड़े हुए लोग थे, उनका एक नेक्सस बन गया, उसने एक कैपिटल गेन चलाया। उससे क्या हुआ कि मैंने भी उसी के अंदर एक रोजगार ढूंढ दिया अपने लिए, मैं भी उस रोजगार प्रक्रिया में जुड़ गया। अब एकाएक जाके नोटबंदी के बाद वो कैपिटल गेन प्रक्रिया बंद हो गई। तो आपको लगता है ये जो कैपिटल गेन प्रक्रिया है 8 नवंबर को बंद हुई है? क्योंकि आपको याद होगा एनडी तिवारी के समय में एक स्टूडेंट की जमीन खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व होता था, वो तो खंडूरी जी का मनाइए कि उन्होंने एक नियम लाया, नियम के तहत हुआ कि इतने गज से ज्यादा जमीन बाहर के लोग नहीं खरीद सकते। अगर आप ये बात कहते हैं कि उसकी उसपे लगाम लगा और ये नोटबंदी के बाद लगा, तो हमारी समझ से ये कहना उचित इस राज्य के लिए नहीं होगा, क्योंकि उस पे लगाम तो उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन खंडूरी जी ने ये नियम लाया था। ऐसा बायर डिफरेंशिएशन एक चीज होती है, आपने 200 गज की लिमिट लगा के बायर डिफरेंशिएशन तो कर दिया जी, पर क्या हुआ कि आपने उस पे तो रोक नहीं लगाई। लैंड सीलिंग तो आपने कहीं पर भी नजर नहीं आएंगी आपको देहरादून में। अगर उत्तराखंड में वो लैंड सीलिंग एक्ट लागू कर देते, जो 2500 मीटर का लैंड सीलिंग एक्ट था, तो फिर जमीनों के धंधे में ज्यादा लोग नहीं घुस पाते। उससे क्या हुआ कि आप नया रोजगार शुरू नहीं कर सकते। आप एक दुकान शुरू करना चाहें देहरादून में, तो आप 1 करोड़ रुपए की दुकान लेके 60 लाख 70 लाख के टर्नओवर पे धंधा नहीं चला सकते। राइट, तो इससे क्या हुआ है कि जो जमीनों के दाम बढ़े, प्रतिष्ठानों के दाम बढ़े, तो लोगों ने अपने चलते रोजगार बंद कर दिए। चलते रोजगार आपके सत्ता को, जो आपका सरकार है उसको रेवेन्यू देता था, टैक्स आता था। अब आपका टैक्स भी केवल क्या हो गया, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स रह गया। अभिजय जी, आप लोग बड़े नीचे स्तर पे काम करते हैं, लेकिन देहरादून कंक्रीट का शहर बन गया। उसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि देहरादून ऐसी जगह है, आस पास के जितने प्रदेश है उस प्रदेश के व्यवसायी बाहुबली यहाँ आके रहने लगे। तो उस चीजों पे नजर गई आप लोगों की, क्योंकि ये सबसे बड़ा था, उन अधिकारों पे उनका कब्जा हो गया जिनको इस प्रदेश में नहीं घुसने देना चाहिए था। देखिए, उत्तराखंड के ये 19 वर्ष विडंबनाओं के 19 वर्ष रहे हैं जी। कुछ जो सकारात्मक चीजें हुई, इससे पहले कि मैं आपके देहरादून संबंधी स्पष्ट प्रश्न पर आऊं, जो कुछ सकारात्मक चीजें थी वो ये हुई कि पहला, ये बहुत गर्व का विषय है कि इस देश में अगर उत्तर प्रदेश जैसे जटिल प्रदेश को कोई विभाजित कर पाया अपने हितों के लिए, तो वो केवल और केवल हम उत्तराखंड वासी थे। ये बहुत गौरव का विषय है। इस आजाद भारत में उत्तर प्रदेश की बड़ी तगड़ी साख रही है। हमने भी क्या क्या झेला है, मसूरी का कांड हो या रामपुर तिराहा कांड हो, हमारे जिन लोगों ने इस क्रांति को लीड करा उन्होंने एक मिसाल दे दी है देश के सामने कि राजनीतिक तौर पे भी सब कुछ संभव है, चाहे आप पहाड़ की चोटियों पे बैठे हो। एक ये गौरव का विषय हुआ। दूसरा, मुझे लगता है उत्तराखंड बनने के बाद जो जिस तरीके से उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने फंक्शन किया है नैनीताल में बैठकर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से दूर, उसने भी इस प्रदेश की बेलगामी सरकार को काफी हद तक नियंत्रित करने में बहुत एक अहम भूमिका निभाई है, अगर आप और प्रदेशों के हाईकोर्ट से कंपेयर कर लें। लेकिन जब हम सरकारी परफॉर्मेंस पे आते हैं, और जैसे आपने देहरादून के संबंध में प्रश्न उठाया, तो चीजें बहुत बुरी हैं।
जो शासक हमें मिले, अगर हम हिमाचल प्रदेश से कंपेयर करें, तो जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन के बाद हिमाचल को सौगात में अपना राज्य मिल गया, तो उनको परमार साहब जैसे एक विजनरी चीफ मिनिस्टर मिले, जिन्होंने एक विजन देखा हिमाचल के सेब के लिए, जिन्होंने एक विजन देखा कुल्लू मनाली शिमला मंडी के लिए, हर क्षेत्र को उस हिसाब से उन्होंने निखारा सवारा और अपनी आइडेंटिटी से भागे नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जल जंगल जमीन की बात करते हैं, दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री जंतर मंतर के सामने बैठकर धरना देते हैं कि जो है हमारे से इको सेंसिटिव जोन है, ये सारी चीजें आप हटाइए। तो हम अपने विजन पर ही क्लियर नहीं हो पाए कि हम उत्तराखंड को क्या बनाना चाहते हैं। उत्तराखंड को देहरादून को नई दिल्ली बनाने के चक्कर में हमने उसे मेरठ और मुजफ्फरनगर के बीच में कहीं छोड़ दिया है, और इस वजह से क्या हुआ है, देहरादून इसका एक जीता जागता उदाहरण है। देहरादून शहर जाना जाता था ग्रे हेयर और ग्रीन हेजेस के लिए, देहरादून शहर जाना जाता था लीची और बासमती के लिए। अब क्या हुआ है, एक तरफ पूरा का पूरा पहाड़ बैठकर देहरादून को एक गंदी निगाह से देखता है कि ये एक शहर रहा जिसने हमारा पूरा आंदोलन को हाईजैक कर लिया, इसी को सारे बेनिफिट मिल गए, और देहरादून वासी पहाड़ को देखता है और बोलता है चलो अच्छा हुआ गैरसैंण में सेशन हुआ, शहर का ट्रैफिक कम हो गया। तो एक तरफ हमारे बड़े बड़े मॉल आए हैं, सहूलियतें बढ़ी हैं, वहीं दूसरी ओर यहां का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहां का भी पानी, यहां की भी रिस्पना बिंदाल करा रही है। तो सरकार ने कोई विजन नहीं दिया इन 19 सालों में। अभी भी हम जो देखते हैं इनका फोकस जो रहता है, चाहे वो रेवार कार्यक्रम हो, चाहे वो पलायन की बातें हो, ये सारी चीजें जो ये करते हैं वो केवल बोली पे है। वो बोलते हैं, अच्छी बातें बोलते हैं, मानव श्रृंखलाएं बनाते हैं, सरकार ही कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट की भूमिका में नजर तो आती है, सांकेतिक अभियान बहुत अच्छे करती है, लेकिन जो ठोस नीति नियोजन होता है जिसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते बातों से, वो करते ही नहीं है। उदाहरण के तौर पर आपको पॉलिथीन के सब्स्टिट्यूट लाने थे, पहाड़ में पेरूल की वजह से जंगल की कितनी आग लगती है, आप उस इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते थे। हर जिले की कोई एक चीज उठाकर आप भी जिससे उत्तर प्रदेश कर रहा है, अपने एक एक जिले की एक आइडेंटिटी बना सकते थे, होम स्टेज को बढ़ावा दे सकते थे, कई चीजें आप कर सकते थे, लीड ले सकते थे आप कि पर्यावरण संरक्षण कैसे होना है भारतवर्ष में, ये उत्तराखंड बताएगा। आप हरिद्वार में अगर कांवड़ मेले के लिए आएंगे तो हम इंश्योर करेंगे कि आप ही साफ सफाई का मंत्र लेकर वापस जाएं। अगर आप तुंगनाथ की चढ़ाई चढ़ेंगे तो आप प्लास्टिक नहीं ले जाएंगे, अगर आप मुंसियारी जाएंगे आप वहां के लोकल कस्टम को फॉलो करेंगे, रुद्रनाथ जाएंगे तो भगवान शिव की आस्था में आपका जो भी जिस तरीके से आपको चलना है, आप अपने चिप्स के पैकेट लेकर दारू लेकर वहां नहीं स्प्रेड कर देंगे। ये चीजें इतनी सुंदर जगह है उत्तराखंड में, लेकिन ये एक बहुत खराब विषय रहा। जब उत्तराखंड में आपदा आई 2013 में, भारतवासियों को ऐसे फोन करके पूछते थे कि क्या हुआ मसूरी में, देहरादून में कुछ बाढ़ आ गई हमने सुना। उत्तराखंड के बारे में नॉलेज बहुत कम है, सरकार इस तरफ बहुत कुछ कर सकती थी और कर सकती है, अभी भी सब बुरा नहीं हुआ है। जरूर आपसे राय लेंगे क्योंकि आप लोग जमीनी स्तर पे काम करते हो और आपकी राय सरकार के लिए भी ध्यान देने योग्य होगी। पुरुषोत्तम भट्ट जी, आपका बचपन बीतता देहरादून में, ये रिश्पना, ये रिश्पना यहां से आधी मोहनी रोड तक बहती थी जो नया गांव चौक है। बिंदाल को लोग बताते हैं कि कम से कम 300 मीटर चौड़ी और ज्यादा होती थी दाहिनी तरफ बाएं तरफ, और इसके पास जो बसाया गया लोगों को, तो क्या आपको लगता नहीं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज विधायक हैं, कल भी विधायक थे, उन्होंने अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाने के लिए यह काम किया, क्योंकि इस नदियों पे उनका कब्जा करा दिया गया, ऐसे लोगों का जिनका दूर दराज तक इस प्रदेश से कोई लेना देना नहीं था। संजय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने उत्तराखंड से पहले का भी उत्तर प्रदेश देख रखा और राजनीति को हम लोगों ने बहुत करीब से देख रखा। उत्तराखंड बनने के बाद भी हम लोगों ने राजनीति को बहुत करीब से देखा। सन 84 के बाद हुआ करती थी, यहाँ पर कुछ छुटभैया नेताओं ने जो है नदी किनारे में कहते लोगों को पट्टे के नाम पे बहकाना शुरू किया, 5-5, 10-10 हजार के इनपे आरोप लगे कि इन्होंने 5-5, 10-10 हजार में लोगों को बिठाया। बहुत आरोप लगाने वाले भी यही है जो आज बीजेपी और कांग्रेस के लोग थे, वो कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, कांग्रेस का नेता बेच रहा है, बीजेपी का लगाता था बीजेपी कांग्रेस का नेता बेच रहा है, वो कह रहा बीजेपी का बेच रहा। ये सब तो चीजें बहुत बड़ी दूर की बात है। आज तो देहरादून का हाल बहुत बुरा हो चुका है और हम लोग भी लगे हुए हैं देहरादून को संभालने में, उत्तराखंड, लेकिन पीड़ा हमें एक बात की है कि जिस आंदोलन में मेरी माता जी और हम लोग जो है सुबह निकल जाया करते थे, शाम को रात रात भर हम लोग आंदोलन में लगे रहते थे, पूरा जनमानस, कोई लीडरशिप नहीं हुआ करते थे, जनता का एक अपना एक आंदोलन हुआ करता था, जन आंदोलन हुआ करता था कि हमें निजात मिले, लखनऊ से हमें निजात मिले, हम कैसे लखनऊ में हम लोग जाएंगे, इतनी दूर हम लोग जाएंगे, क्योंकि हम गरीब प्रदेश के लोग थे, हम तो देहरादून के थे, फिर भी हम लखनऊ के बारे में
सोचा करते थे जो पिथौरागढ़ और ऊपर जनपद चमोली इतने दूर दूर के लोग हैं वो अपनी बात कैसे रख पाएंगे लखनऊ में, ये एक बहुत बड़ा समस्या हम लोगों के सामने हुआ करती थी। आज भी 19 साल बाद वही समस्या आज भी यही पे है। मैं आपको बता दूं प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का बगल में है, जहां पर एक व्यापारी जाता है उसको आत्महत्या करने पे वो मजबूर हो जाता है। आयुष के छात्र बैठे हैं जिनपे रातों रात लाठीचार्ज होता है, बिल्कुल अंग्रेजों की सरकार की तरह इन पे एक्शन होता है। स्वास्थ्य की सेवाएं आप देख लीजिए, शिक्षा के जो क्षेत्र होता था जहां जिस उत्तराखंड से छोटे छोटे स्कूलों से निकल के बड़े बड़े वैज्ञानिक निकले, बड़े बड़े मिलिट्री के बड़े बड़े अफसर निकले हैं, आज 3000 स्कूल बंद कर देते हैं। चाहे शिक्षा व्यवस्था हो चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, पढ़ाया नहीं सोची समित समझी नीति के तहत कहते हैं इन लोगों के द्वारा राजनीति को द्वारा कराया जा रहा है। मैं इन पर सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ, पलायन कोई लोग नहीं कर रहे हैं, आपने मजबूर कर दिया है वहां के लोगों को वहां से शिफ्ट होने के लिए। सही बात है। तो और जबकि राजनीति एक चीज में और कहना चाहता हूँ, ये लोग जो है देहरादून में आके चुनाव लड़ते हैं, मैं चाहे मुख्यमंत्री जो आप अपने गाँव से चुनाव लड़ी नहीं है, निशंक जी आप पहले थैली से लड़ते थे, आप लड़िए चुनाव। ये भटजी आपके साथ साथ हर आदमी हमारे पैनल को भी सोचना होगा, हम पलायन की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस प्रदेश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य राजनीतिक पलायन हो रहा है। वह राजनीतिक पलायन ही एक ऐसा रिसोर्स बन रहा है जिससे विकास पहाड़ की उन ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पा रहा है जहां पहुंचना चाहिए। हम संदीप राणा जी आपके पास इसलिए सबसे अंत में आए हैं इन चारों लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि आप एक राजनीतिक पार्टी से भी सरोकार रखते हैं और साथ में इस समय जो सत्ता में पार्टी है उसका भी आप प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको राजनीतिक विश्लेषक रूप में ही आज सबके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि आज हमारा ये विश्लेषण होना चाहिए। चार लोगों ने बोला, कोई आदमी क्यों सकारात्मक बिंदु इस प्रदेश के विषय में नहीं उठा पा रहा है? हर आदमी के पास क्यों केवल नकारात्मक बिंदु ही है, नकारात्मक एजेंडा ही है? क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि हकीकत में 19 वर्ष जो हमारे पूरे हुए इस प्रदेश के आज हम हकीकत में कुछ नहीं कर पाए हैं? सबसे पहले तो मैं आज राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा सभी प्रदेशवासियों को। 19 वर्ष के इस लंबे अंतराल में उत्तराखंड प्रदेश में कई मुकाम हासिल किए हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ यह प्रदेश समृद्धशाली प्रदेश की ओर अग्रसर है, मैं समझता हूँ विकास की ओर अग्रसर है। जहां तक अभी भ्रष्टाचार की बात आई जमीनों को लेकर के, निश्चित रूप से जब से भूमि अधिग्रहण एक्ट माननीय कुंडली जी ने लाया था तो उससे काफी रोक इस पर लगी है और अनेक भी आज विकास की गति भी बढ़ी है। आज यह क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से भी उत्तराखंड में जो स्वरोजगार की बात हो रही है, जो यहाँ पे प्लान की बात हो रही है, तो पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने पर सरकार का भी जोर है, केंद्र सरकार का भी जोर है। मैं समझता हूँ अभी पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा तो जो सबसे बड़ी समस्या है स्वरोजगार की, जो बेरोजगारी का यहाँ पर सबसे बड़ा आलम है और उसके कारण जो यहाँ के लोग प्लान करते हैं, तो मैं समझता हूँ पर्यटन पे सरकार का फोकस है। और मैं समझता हूँ जो 13 डिस्ट्रिक्ट हमारे 13 डेस्टिनेशन भी हमारी सरकार ने बनाए हैं, 13 पर्यटन केंद्र प्रत्येक जिले में, मैं समझता हूँ पर्यटन को बढ़ावा देने के कारण जब पर्यटन बढ़ेगा पर्यटक तो उससे हमारी जो प्लान की जो समस्या है वो मैं समझता हूँ हो सकती है। दूसरा जो यहाँ पर जो राजनीतिक प्लान की बात आई है, जो राजनीतिक प्लान मैं समझता हूँ वास्तव में उत्तराखंड बनने के बाद राजनीतिक शुचिता में बहुत कमी आई है, इसको मैं सहृदय से कह सकता हूँ। इसमें आप देखेंगे सिर्फ जो राजनीतिक लोग हैं अपने स्वार्थ के हित में डूबे हुए हैं, अपने भाई भतीजावाद और सिर्फ अपनी कुर्सी को संभालने पे लगे हैं, कैसे मेरी कुर्सी 5 साल चले और 5 साल बाद मैं कैसे पुनर्जन जीत करके आऊं, जनता के सरोकारों से उनका कोई मतलब नहीं है। आप देखेंगे पंचायत चुनाव में कितना भ्रष्टाचार इस समय हुआ, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, खरीद फरोख्त हुई, हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी यदि जो है खरीद फरोख्त पर अगर रोक नहीं लगती है तो मैं समझता हूँ ये राजनीति उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि आपने देखा होगा मार्च का महीना था, 2016 का वर्ष था, जिस तरह से उस समय खरीद फरोख्त की बात आई थी सामने, आज सीबीआई जांच की भी उस पर बात चल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री भी फंसे हैं, तत्कालिक मंत्री का भी नाम है उसमें, एक तथाकथित पत्रकार का भी नाम है, लेकिन जिस तरह से छोटा सा प्रदेश है और हर प्रदेशवासी अपने प्रदेश के लिए सोचता है उसके बाद भी ये घटनाएं घट रही हैं। कुलदीप जी, जैसा आपने कहा कि पर्यटन प्रदेश, हमने ऊर्जा प्रदेश का भी नाम सुना, लेकिन हम सिमट गए हैं केवल खनन प्रदेश और शराब प्रदेश में। क्या लगता नहीं आपको कि इस दो बिजनेस व्यवसाय के अलावा कोई ऐसा व्यवसाय नहीं है
जिससे हम प्रदेश को बड़ा नाम दे सके, जड़ी बूटी प्रदेश बना सके, ऊर्जा प्रदेश बना सके, पर्यटन बना प्रदेश बना सके, हम क्यों इस लाइन पे काम नहीं कर पा रहे हैं? हम केवल खनन पे और शराब पे अपना फोकस क्यों करते हैं? चाहे पुरानी सरकार हरीश रावत की सरकार ले लीजिए, चाहे इस समय की सरकार ले लीजिए, ये दोनों बिंदु ही है जिसको आय का रिसोर्स ये बता के आय के आय को निकालने की बात करते हैं। कुलदीप जी, देखिए संजय जी, इस पूरे घटनाक्रम को राज्य निर्माण से लेकर के और आज जब हम ये 1968 माने जा रहे हैं, इस 19 वर्ष के अंतराल को अगर हम देखें और इसकी अगर हम व्याख्या करें तो आप पाएंगे कि जिस दिन राज्य का निर्माण हुआ परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री के रूप में नित्यानंद स्वामी शपथ ले रहे थे जी, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी का विरोध हो रहा था। इस राज्य में विरोध की राजनीति, विरोध की मानसिकता की नींव बीज उसी दिन ही पड़ गए थे। नित्यानंद स्वामी का विरोध हुआ, नित्यानंद स्वामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भीतर ही भीतर दलगत राजनीति में उनका विरोध हुआ। 7-8 महीने के बाद वो बदले गए, भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री के रूप में आए, 12-14 महीने वो मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रथम निर्वाचित सरकार में ऐसे व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में आए पंडित नारायण दत्त तिवाड़ी, जिन्होंने जो उत्तराखंड राज्य के घोर विरोधी रहे, जिन्होंने खुद को कहा था कि ये राज्य नहीं, छोटे राज्य नहीं बनने चाहिए। तो जो राज्य विरोधी रहा हो, आपने उसे फिर हमारा मुख्यमंत्री बना दिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। वहां भी पार्टी के भीतर भीतर घात की राजनीति रही, हरीश रावत जी ने उनकी जड़ों में मट्ठा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्हें परेशान करने में कोई कसर नहीं। देखिए एक सपोर्टिंग हम आपकी पूरी बात, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि जो एनडी तिवारी कर गए वो सारे मुख्यमंत्री मिलके भी नहीं कर पाए। मैं उसी विषय पर आ रहा हूं, देखिए इसको समझना होगा हमें जी। हरीश रावत जी एनडी तिवारी का विरोध करते रहे क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना था राज्य का, राइट? क्या जैसे तैसे एनडी तिवारी, क्योंकि वो घाग राजनीति के थे, पांडित्य था उनमें राजनीति का, उन्होंने अपने 5 साल कार्यकाल पूरा किया, सत्ता बदली, भाजपा आई, भाजपा में घोर विरोध के बावजूद भी जनरल खंडोड़ी को मुख्यमंत्री बना दिया गया जी जी जी, है ना। 27 विधायकों की वो घटना तो आपने हमने दोनों ने देखी जब पैसिफिक में चल रहा था, दल का नेता जिसको चुना जाए, है ना, उनका विरोध हुआ, मुख्यमंत्री रहे 2.5 साल में कितने लोग दिल्ली पहुंच गए उनके विरोध में, 2.5 साल के बाद उनको हटाया गया, फिर नए मुख्यमंत्री आए, लास्ट के 3 महीने में उनको हटाया गया, निशंक आए, फिर 3 महीने बाद अंतिम 3 महीने में निशंक को हटा करके खंडोड़ी जी को लाए, फिर विजय बहुगुणा आए जो उत्तराखंड की राजनीतिक परिदृश्य में दूर दूर तक कहीं नहीं थे, वो यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए, फिर उनका विरोध हुआ, फिर 2.5 वर्ष के बाद हरीश रावत जी आ गए, 2.5 वर्ष में उन्होंने जो किया फिर सत्ता बदली और अब त्रिवेंद्र रावत आए। आपने जो एनडी तिवारी वाली बात कही, यहां मैं इस बात को इस कंटेस्ट में कहूंगा कि जब कोई सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करती हैं, विकास अपने साथ कई खामियों को भी साथ लेके चलता है, right। विकास और भ्रष्टाचार ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, जो ईमानदारी के चरम पर जो देश होंगे वहां भी भ्रष्टाचार होगा, सही बात, नीतियों में भ्रष्टाचार, खरीदारी में भ्रष्टाचार, ये चलता रहता है। अब इन 18 वर्षों में 19 वर्षों में क्या हुआ, कोई राज्य को ऊर्जा प्रदेश बना रहा था, कोई राज्य को पर्यटन प्रदेश बना रहा था, लेकिन उत्तराखंड को उत्तराखंड प्रदेश कोई नहीं बना रहा था। बहुत सही बात, एकदम सही। प्रवीण जी, कुलदीप जी मैं लौटूंगा आपके पास। प्रवीण जी, जैसा आपने कहा और हर आदमी कह रहा है कि विकास तो हुआ, लेकिन प्रदेश को जो बनना चाहिए तो वह नहीं बना, वह उद्देश्य पूरे नहीं हुए, तो क्या इसका एक कारण यह भी है कि जो यहाँ राजनीतिक अस्थिरता की बात कुलदीप जी कर रहे हैं, क्या वह भी एक कारण है कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण हम वो मुकाम नहीं पा पाए 19 वर्षों में? भाई बहुत सारे देश आपको मिलेंगे जहाँ 3-3 महीने में सरकार बदली, इटली का एग्जाम्पल है, जहाँ 6 महीने से ज्यादा कोई सरकार नहीं चलती थी जी, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी नहीं रुका जी। तमिलनाडु में दो घोर घनघोर विरोधी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के दुश्मन है, वहां पर भी कोई डेवलपमेंट नहीं रुका, राइट? समस्या क्या है, उत्तराखंड में जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश से आया हुआ हमारा प्रशासनिक तबका है, ना उसका उत्तर प्रदेश में कोई वजूद था, ना उनका कोई भविष्य नजर आता, यहाँ आके वो बड़े बड़े पदों पर पदासीन हो गए। अब स्थिति ऐसी है, चीफ सेक्रेटरी साहब है वो तो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी है, पर सोच तो उनकी उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी की है ना, तो वो स्वभाव यहाँ चला। आप छोटी सी बात ले लीजिए, चलते रोजगार तो प्रदेश सरकार बंद कराती है,
हमारा एक आदमी अपने लिए घर बनाता है, उसकी घर के बाहर दुकान अपने बेटे के लिए बना देता है, किसी प्रकार से उसका रोजगार चले तो आपका एमडीटी आ गया, दुकान को बंद कर देता है। जजमेंट भी ऐसे आते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हाईकोर्ट वगैरह के, कि जो बहुत ज्यादा टिल्टेड टुवर्ड्स ये मॉल्स हाउसिंग सोसाइटी इनके तरफ है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि आप पब्लिक को उन चीजों को कंज्यूम करने के लिए धकेल रहे हैं और चलते रोजगारों को बंद कर रहे हैं। अगर आप शराब की दुकान खुलवाने के लिए नेशनल हाईवे को स्टेट हाईवे बना सकते हैं, तो 1000 फुट के मकान पे 100 फुट की एक दुकान बन जाए तो उससे प्रदेश सरकार को क्या आपत्ति, उस पर कोई आदेश नहीं निकाल सकती। गाँव का आदमी है, वो अपना मकान बनाना चाहता है, बहुत वर्षों से गाँव में है, उसको एनडीडीए के चक्कर कटवाते हैं, जिसने बेची नहीं है जमीन, वो अपना घर अगर अपने गांव में बनाना चाह रहा है उसके लिए भी उसे सिस्टम के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये, लेकिन प्रवीण जी आपने एक शब्द कहा कि जो यहाँ प्रशासनिक तबका है, उत्तराखंड के जो लोग थे वो तो आए नहीं, जो लोग आए अगर वो नाकाबिल थे तो ये अधिक जो नेता है वो उनके ग्रिप में या ट्रैप में कैसे आ गए, उनको कैसे उन्होंने जो चाह वो करा दिए। तो अगर नाकाबिलियत थी तो उन्होंने जो इतने घोटाले हुए, तो ये अधिकारी इतना काबिल हो गया कि यहाँ के सारे नेताओं को ट्रैप किया और अपने हिसाब से काम करा दिया, इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? बिल्कुल है, आप एक साधारण बात बताएं, अगर वो नाकाबिल थे तो काबिलियत कहां से आ गई उनके अंदर? घोटाला करने की 56 घोटाला होता है, एनएच घोटाला होता है, अधिकारी इन्वॉल्व होता है, अगर वो नाकाबिल आदमी है, आज भी बताइए एनएच घोटाला हुआ, अधिकारियों को तो आपने नाप दिया था, जिस राजनेता के इशारे पे हुआ उस राजनेता के कंधे पे आप हाथ रख पाए? मैं उसी पे आ रहा हूं जी। बात यह है कि जो प्रधान स्तर का व्यक्ति था वो विधायक बन गया, दूसरी स्थिति अब आप सही आए हैं, अब आप कहिए जो आदमी पार्षद बनने की स्थिति में नहीं था आज वह विधायक बन गया, उसकी सोच उस पार्षद तबके की है, क्योंकि 5000 रुपए लेकर के रिस्पना के बॉर्डर पे रिस्पना के पास उसने बिजनौर सहारनपुर के लोगों को बसाया, इसलिए उसकी मानसिकता विधायक बनने की नहीं है, वह पार्षद ही सोच थी बना दिया, लेकिन आज उसको मौका मिला राजनीति कर रहा है। क्यों अभी जी इस बात में सत्यता आपको लगती है? देखिए मुझे सत्यता तो लगती है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक प्रधान भी, हमने अगर देखा कि रालेगांव सिद्धि को, चलिए अन्ना हजारे जी को भी प्रधान नहीं थे, पर उन्होंने एक आदर्श ग्राम की एक परिभाषा की और कुछ काम किया। ऐसे ही जब छरवा गांव में एक आदर्श ग्राम बनाने की कोशिश हुई, कुछ गांव यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो ये बड़ा सकारात्मक भी हो सकता था कि किसी ने एक अच्छा गाँव चलाया होता, वो अभी अपने पूरे विधायक क्षेत्र जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसको अच्छे से चलाता। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य रहा कि उन्होंने सिर्फ कुलीतियां ही सीखी, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि एक खाली नदी क्या है, इसको या तो ये बिल्कुल बेचो, इसको यहीं कूड़ा डालो, यहाँ ये लोग मतलब उनको वहां पे मालिकाना हक देकर तुरंत वोट पाओ, लोगों को लाओ यहीं बसाते जाओ, उत्तराखंड का जो एक डेमोग्राफिक कैरेक्टर रहा उसको खराब करते रहो, एक तरफ ये करो और दूसरी तरफ नीति नियोजन पे क्या करते हैं, हमारा प्रदेश उधारों पर चल रहा प्रदेश है, हम अपने हर अधिकारी को जो पगार भी दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, वो उधार से दे रहे हैं, हमारी उधारी बढ़ती जा रही है, कभी 40,000 करोड़, 44,000 करोड़, और अगर आप हमारे बजट को भी कोई देखे, काश हम इन चीजों पर भी विश्लेषण करें, तो आपको पता चलेगा कि की सेक्टर्स में हमारा इन्वेस्टमेंट कम होता जा रहा है जहां और प्रदेशों का बड़ा है। नेट मोर्टैलिटी रेट जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें पाया गया कि बहुत अच्छा नहीं रहा उत्तराखंड का, हमारी 108 सेवा, कुछ कुछ चीज जो अच्छी चलती थी उसमें भी हमने क्या किया कर्मचारियों के साथ, हमने पूरा स्तर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का वैसे ही बुरा कर दिया, और स्वास्थ्य सेवा तो वैसे ही बहुत खस्ता हाल में है पहाड़ों में, तो हम कहीं ना कहीं बहुत बुरा कर रहे हैं प्रदेश के साथ। और मैं तो नहीं इत्तेफाक रखता कि विकास हुआ है, मैं सच में कोशिश करना चाह रहा हूँ कि किस चीज को मैं विकास मानूं। ठीक है, देहरादून शहर के कुछ कुछ क्षेत्र जो पॉश पहले से ही कहलाते थे वो और पॉश हो गए हैं और गंजापन आ रहा है देहरादून शहर में, ऊपर से अगर आप सैटेलाइट व्यू में देखोगे तो आपको बहुत चीजें पता चलेगा। लेकिन ये केवल रिस्पना बिंदाल की कहानी नहीं, यही कहानी ऋषिकेश की चंद्रभागा की है, यही कहानी वहां नारायण भगत चौली में पिंडर नदी की हो रही है, यही कहानी अलग अलग जो हमारे रीजन है उत्तराखंड के, वहां उन गाढ़ गदेरे नालों की सबकी ऐसी ही कहानी सामने आ रही, चाहे वो गौला हो, चाहे वो कोसी हो, चाहे वो रिस्पना हो। तो और इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सरकार इसको केवल सोचती है चलो हर जुलाई में मैं खुद जाऊंगा, फोटो लगाऊंगा, एक बढ़िया सी स्माइल दूंगा और अगले दिन अखबारों में आ जाऊंगा और अखबार छाप भी देंगे, अखबार पूछेंगे नहीं, दो चार हाथ पकड़ ले लोग
उसके बाद वहां पे हम अच्छी फोटो खिंचाएंगे और हम पॉलिथीन पर एक छापा मारेंगे सारी मीडिया को लेकर, लेकिन उसके और किस पर छापा मारेंगे आप? उस रेडी वालों को आप हैरिस करोगे, आप हर एक छोटे छोटे को जा जाके हैरिस करोगे। इस तरीके से ये लोग चल रहे हैं और पता नहीं ये कैसे चलते जा रहे हैं। तो हमें इनको कसना होगा, एक बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें समझना होगा कि नीति नियोजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इनको नीतियां बनानी है, इनको उसको इंप्लीमेंट करना है। हर चीज में आप हाईकोर्ट की डायरेक्शन नहीं ले सकते। आप देखते हैं इन्होंने क्योंकि क्यों यहाँ पे कैंपिंग ऊपर बंद हो गई थी, मेडोज पर रुकना बंद हो गया था, राफ्टिंग बंद हो गई थी, आय के साधन थे, इसलिए नहीं, चलिए ठीक है इनका पर्यावरण पर जो प्रभाव होता है, इसलिए भी क्योंकि सरकार किसी चीज पे नीति नियोजन नहीं करती। गुप्ता बंधुओं की शादी का उदाहरण ले लीजिए, इसके लिए वो नीति बनाया, अगर वो चाहती है इस चीजों को प्रमोट करना तो कैसे कंजर्वेशन भी हो सकता है, कैसे चीजें हो सकती है। पर यहाँ पता नहीं कौन कानून बना रहा है, कैसे कैसे कानून बना रहा है, ट्रांसफर एक्ट पर लिटिगेशन चल रहा है, तो इनका कोई विजन नहीं है, इनको आता भी नहीं है शासन कैसे चलाते हैं। और जैसा आपने कहा, इन्होंने जो प्रधान रहे, जब छोटी छोटी इन्होंने अपनी जो कार्यवाही करी, अपना काम संभाला, कार्यभार संभाला, जो गलत कर सकते थे, गंदा कर सकते थे, वो सब सीखा और अब उसको बड़े स्तर पर गंदा गलत करते जा रहे हैं। आप देखिए पंचायती चुनावों में भी ये दो बच्चों वाला नियम ले आए, जैसे और किसी चीज पर ये नहीं कर सकते थे कुछ। और जब आप जैसा कह रहे हैं बिजनौर से और जगहों से लाल आकर इन लोगों ने प्रदेश की नदियों में बसाया, इनको बचाने के लिए ऑर्डिनेंस ले आए। आप ये देखिए पहाड़ के विधायकों की कितनी क्षमता कम हो गई है, शायद वो भी सब यही देहरादून में ही बैठे हुए हैं, कि ये जो पावरफुल तबके हैं जो आज देहरादून शहर में हावी हो गए हैं, ये इतने पावरफुल हैं इस सरकार को हिलाकर उन्होंने कहा हमारे लिए ऑर्डिनेंस ले आओ। और दो बच्चों से ज्यादा बच्चों वाली चीजों पर कुछ नहीं करा सरकार, सरकार नहीं बल्कि ऐसा जो है इस तरीके की कानूनी ढांचा में परिवर्तन खुद किया और फिर नैनीताल में मुखी खाई। तो इस तरीके के लोगों पर नियंत्रण बहुत जरूरी है और इसके लिए समाज भी पूरी तरह दोषी है। अजय जी आप अधिवक्ता भी हैं और बड़ी पैनी नजर होती है, ये उदाहरण की जिंदगी जी रहा है उत्तराखंड, करोड़ों रुपए खर्च करके मानव श्रृंखला तैयार करता है एक रिकॉर्ड कायम करने के लिए, करोड़ों रुपए खर्च करने को लेकर के ये पिछले 5 दिनों से रथ रहवार कर रहा है, तो आप लोगों की नजर वहां नहीं पहुंच पा रही है कि ये जो खर्च किए जा रहे हैं ये क्या उधार की जिंदगी से सूट पहन के घूमना, उधार की जिंदगी से मर्सिडीज खरीदना अच्छी बात लग रही है? जी बिल्कुल नहीं लग रही है, नजर अधिवक्ताओं की कुछ लोगों की इस प्रदेश में पहुंच बिल्कुल रही है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे संवैधानिक सिस्टम में जुडिशरी की, न्यायपालिका की भी एक लक्ष्मण रेखा है, वो हुकूमत नहीं चला सकती, वो सही गलत बता सकती है। जैसे आप पंचायत चुनाव की खरीद फरोख्त को ही ले लीजिए, न्यायपालिका ने अपना पूरा काम किया, उसने फटकार लगाई, दिशा निर्देश दिए 34 बिंदुओं पर, कहा राज्य निर्वाचन आयोग को तत्काल FIR करना, और TN सेशन जैसे चुनाव आयुक्त इस देश ने देखे हैं जब कुछ कार्यवाही की गई है, बड़े बड़ों के खिलाफ की गई है, यहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग एक भी FIR ढंग से करवाने पर सक्षम नहीं हो पाया। मीडिया की रिपोर्ट आती रही कि हाईकोर्ट की डायरेक्शंस की अवहेलना होती जा रही है, कोई किसी होटल में है, कोई किसी होटल में, कोई किसी सैर सपाटे में है, पर कोई जिला अधिकारी इस पूरे उत्तराखंड में FIR नहीं कर पाया, क्योंकि शायद बाहुबल धनबल और राजनीतिक दबाव था। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि भले ही एक इंस्टीट्यूशन अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर हमारी कार्यपालिका, अगर हमारी विधान पालिका इन चीजों पर नीति नियोजन ही नहीं कर रही है, गलत प्रैक्टिसेस को हावी होने दे रही है, तो केवल अगर हम न्यायपालिका से ढांचा बढ़ाए तो वो हर काम नहीं कर सकती और वो खतरनाक भी है। एक अनइलेक्टेड जज का वहीं से हुकूमत चला देना इस प्रदेश के लिए हानिकारक भी होता है। देखिए न्यायपालिका का मेरा तात्पर्य था, अभी आपने गुप्ता बंदियों की बात की, ऐसी जगह पे हुआ एक PR कंपनी और या कह लीजिए कि जिस तरह से उन्होंने शादी को एक दूसरा रूप दिया, उस पे भी तो आप लोग PIR डाल सकते थे कि इस प्रदेश में जो छोटा सा प्रदेश है जहां शादी हम लोग करते हैं तो शादी करने के बाद घर के परिवार के लोग सफाई करते हैं और आप वहां पूरे देश की गंदगी डाल देते हो, चलिए हम आपसे लौटेंगे क्योंकि एक छोटी सी बात में इस बस 20 सेकंड में कह दूं, इस पर PIR हुई रक्षित जोशी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने ही PIR करी थी गुप्ता बंधुओं की इस हरकत के खिलाफ, जिसपे 3 करोड़ उनको हाईकोर्ट में जमा करने पड़े। लेकिन आपको सरकारी विफलता बताऊं, मैं एक उदाहरण देता हूं, चीफ जस्टिस की बेंच पूछती रही कि आप इन 3 करोड़ को स्पेंड करो, जो जो इन्होंने इकोलॉजी को डैमेज किया, धौली गंगा नदी वहां से बहती है उसमें, उसको रिकवर करो। सरकार केवल 27 लाख का बिल लाई, 3 करोड़ थे इनके पास, वो उसका एक्सपेंडिचर कर सकते थे, 27 लाख का बिल लाई। अच्छा ये आप थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो आपको लगता नहीं कि ये जो अपना रिसोर्स है, आय का रिसोर्स है, वो तलाशने में नाकाबिल साबित हो रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि इनके पास देखिए रिसोर्स को ये बार बार रोना रोते हैं कि हमारे पास तो खनन है, हमारे पास शराब है,
तो तीसरा रिसोर्स क्यों नहीं तैयार कर पा रहे? स्विट्जरलैंड है, स्कॉटलैंड है, डेवोस जैसा एक उदाहरण बना दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहां होते हैं, वेनिस एक शहर है इटली में, अगर आप देखें कैसे कैनाल्स की एक शहर हुआ करता है, कैसे वहां पे उसको ही ऐसा बना दिया गया कि लोग वहां आने को मरते हैं, और ऑलरेडी इनकी नाकामियों के बावजूद कई लोग देहरादून आते हैं बुद्धा टेम्पल देखने, गुच्चू पानी देखने, सही बात, लेकिन इनमें विजन की घोर कमी। पुरुषोत्तम भट्टी, आप राजनीतिक पार्टी से तालुकात भी रखते थे, 30 वर्ष आप किसी राजनीतिक पार्टी में रहे, आप अपना सामाजिक संगठन चला रहे हैं और बहुत बड़ा सामाजिक संगठन है, मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट डे से जिस तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स हुई है, जिस तरह से मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बना के अनर्गल काम कराने का अनैतिक नैतिक प्रेशर डेवलप किया गया और कराया भी गया और लगातार जारी है। अभी भी देखिए कुंवर पड़ाव जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, सतपाल महाराज जिस तरह की भाषा का, यशपाल आर्य जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, आप देखिए हरक सिंह जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, और इन सब का भाषा का उपयोग त्रिवेंद्र जैसे मुख्यमंत्री के सामने होता है जो कि अपने आप को जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर ऐसी स्थिति में जब उनके पास 57 विधायक हैं और कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है तो फिर प्रदेश का क्या होगा, कैसे बचेगा? संजय जी मैं आपको बता दूं, अभी हमारी जो उत्तराखंड की जनसंख्या है वो 1,10,00,000 की करीब है जी। 10,00,000 लोग मैं मानता हूँ कि पॉलिटिकल होंगे, पॉलिटिकल पार्टियों से संबंधित होंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी है, जो यहाँ की मुख्य विपक्ष पार्टी है कांग्रेस, वो एक दूसरे हमेशा मित्र विपक्ष की भूमिका निभा रही है इन 20 सालों में, और जब कांग्रेस सत्ता में आई है तो बीजेपी ने वही खेल खेला, खेल कहीं ना कहीं दोनों ने एक ही सिक्के के दो ये पहलू है, जनता को बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी, जनता को समझना पड़ेगा। जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम लोग प्रेशर ग्रुप बना सकते हैं, सोशल साइट के माध्यम से बना सकते हैं, अभी हमारे बीच में मैट के अभिजय नेगी जी, ये लोग PIL डालते हैं, रविंद्र जुगाड़ जैसे लोग PIL डालते हैं, उसमें सक्सेस भी होते हैं, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा जब तक प्रेशर ग्रुप इन पे नहीं पड़ेगा। 1 करोड़ लोग हैं हम लोग, 1 करोड़ लोगों का, क्योंकि आज तक उत्तराखंड में जो 19 सालों में पिसी है तो सिर्फ जनता ही पिसी है, लुटी है तो जनता ही लुटी है, चाहे कितने भी घोटाले हुए, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शिक्षा सेवाएं, बदतर से बदतर स्थिति जनता की हुई है, और जनता सिर्फ को ये चुनाव में भगवान कहने वाले लोग हमेशा लुटते रहे तो जनता को समझना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं हर सांसद एक ही गाँव वोट दीजिए, तो मैं ये कहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में 5 गाँव तो बहुत ज्यादा डेवलप हुए होंगे, क्या जनता ने इनसे पूछा? नहीं पूछा। जय पलायन की बात हो, 3,000 स्कूल शिक्षा के लिए बंद कर दिए गए, कहीं पे कोई आवाज नहीं उठी। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ ITV हिंदुस्तान जैसे टीवी चैनल, आप जैसे पत्रकारों से, कि कहीं ना कहीं बात तो उठ रही है लेकिन बात उठ रही है चंद लोगों में। एक बहुत बड़ा अब उत्तराखंड बचाने का समय आ गया, अगर हम लोगों ने उत्तराखंड बचाने के लिए सड़कों पर नहीं आए तो चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार हो, रोजगार की हालत ये है, रोजगार आपने तो इसलिए बचाने के लिए तो आपको एक चीज बताता हूँ, रोजगार में हमारे ही अपना परिवार के बॉबी पवार है, वो रोजगार संघ का अध्यक्ष है, तो जब मैं अधिकारियों के साथ बैठा था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तो मैंने पूछा कितने लोग आएंगे इनके बेरोजगार में, अरे 400-500 लोग आएंगे, वैसे हम लोग इनको सम्मान देंगे, अधिकारियों में नहीं था, लेकिन अचानक 5-10,000 आदमी जब आ जाते हैं और युवा जब आते हैं तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। संदीप जी सरकार आपकी है, आपने बड़े नजदीक से कांग्रेस की भी सरकार देखी, भाजपा की पहले भी, आपको लगता है क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के भंवर में पूरा घिर चुका है उत्तराखंड? देखिए बड़े संघर्षों के बाद ये राज्य हमको मिला है जी। और काफी लोगों ने शहादत भी दी है, मैं उन शहीदों को भी नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अभी बात हुई कि तिवारी जी के शासनकाल में विकास हुआ, तिवारी जी के जब शासन, जब तिवारी जी का यहाँ पर था सरकार जी, तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से, उन्होंने हमें यह राज्य दिया। उस समय जो विकास हुआ उसका प्रमुख कारण था कि अटल जी ने हमें औद्योगिक पैकेज दिया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष राज्य का दर्जा। आज 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 आप अगर मुद्दा हम नहीं चाह रहे थे, विशेष राज्य का दर्जा मिला, अरे फिर तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, क्यों नहीं ले पाए आप? खत्म तो आप ही के समय में हुआ, खत्म हमारी सरकार ने नहीं किया, जब मनमोहन जी की सरकार केंद्र में थी उन्होंने इस विशेष राज्य का दर्जा जो हमको मिला था उसको खत्म करने का काम किया। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा सर, छह साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे विश्व के सबसे यशस्वी प्रधानमंत्री है, उत्तराखंड के लिए क्या उनकी सोच इतनी नहीं बन पा रही है, हम इसको वह पुराना पैकेज लौटा दे? आज उत्तराखंड के लिए जो मोदी जी ने सोचा है जी बहुत काबिले तारीफ है। आज आल वेदर रोड, मैं समझता हूँ देश के अंदर पहली आल वेदर रोड बन रही है, जिस दिन आल वेदर रोड बनकर तैयार हो जाएगी, यहाँ पर आप उस आल वेदर रोड के
एरिया में उस पहाड़ी इलाका पे गए, मैं वहीं भाई साहब इतने पेड़ काट दिए गए, आज भी आज जहाँ पे दो घंटे में आदमी पहुंच, अच्छा आयुर्वेदा रोड का मतलब थोड़ा सा आयुर्वेदा रोड है, यमुनोत्री जाने के लिए बहुत दुर्गम हमारी रोड थी, लेकिन आर वेदर रोड का जब से काम शुरू हुआ है आज लोग उसकी सराहना कर रहे हैं। मैं समझता हूँ 16-16, 18-18 मीटर रोड चौड़ी बन रही है, बहुत सराहना कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जब आर वेदर रोड बनकर तैयार हो जाएगी, यहाँ का पर्यटन बढ़ेगा, पर्यटन बनने के बाद जो है यहाँ के लोगों के चेहरे पर खुशा भी आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरा मैं इस बात को कहना चाहता हूँ राजनीति से परे, उत्तराखंड में जो राजनीति होनी चाहिए सेवा के लिए, लेकिन उत्तराखंड में बड़ी विडंबना है कि उत्तराखंड जो है राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया, बड़ा दुखद है। आज क्योंकि आज हमारा स्थापना दिवस है, इसलिए मैं इस पर जो कहना चाहता हूँ कि जो व्यवसायीकरण जो राजनीति का हुआ है वो कहीं ना कहीं भी बड़ा चिंतनीय है और मैं इसको निंदनीय भी मानता हूँ। दरअसल हमारा समय पूरा हो रहा है लेकिन हम अपने पैनलिस्ट से चाहेंगे क्योंकि आज हकीकत में कुछ भी हो इस राज्य में, कैसा भी राजनीतिक घटनाएं हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन बड़े गर्व का विषय है कि हम अपने राज्य में बैठे हैं, जो हम चाहते थे हमारा राज्य है, तो हम चाहेंगे राज्यवासियों के लिए 30-30 सेकंड में आप ही से संदीप जी शुरू करिए 30 सेकंड में प्लीज। मैं कहना चाहूंगा जिस राज्य की हमने अवधारणा की थी कि हमारा छोटा राज्य हो, यहाँ की छोटी छोटी जो प्रशासनिक इकाइयां होंगी, बहुत हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर जिलों की बहुत समय से मांग है, जब हमारी छोटी छोटी प्रशासनिक इकाइयां होंगी तो लोगों को जो विकास के काम है, जो उनकी समस्या है, उनके समाधान में भी जो है आसानी होगी, तो मैं समझता हूँ आज इस राज्य के स्थापना प्रवीण जी आपसे चाहेंगे। तो सरकार के स्तर पे होना है कि अपना प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जिस प्रदेश का नॉन प्लान एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा चला जाता है वो कभी वायबल नहीं रह सकती। यस राइट। दूसरी समस्या हमारे पहाड़ में ये है कि आप पलायन की बात कर रहे हैं, पलायन भी उस दिन बंद होगा जिस दिन वहां पर जो रहने वाला वो वायबल हो जाएगा, उसके लिए वहां पर कोई रोजगार, अब रोजगार सरकार तनख्वाह दे वो रोजगार नहीं होता है, उससे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ता है। अगर आपका टूरिज्म बढ़ जाए वहां पे अभी कुछ दिन पहले हमने देखा इस सोशल मीडिया पे पुतिन का, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुतिन जब 1991 की बात है जब यूएसएसआर टूटा तो रशिया एकदम खत्म हो गया था, पुतिन का एक संदेश आया है अभी कि जितने रशियंस पूरे वर्ल्ड में किसी कोने में हैं वो आप रशिया लौटिए, हम आपको फ्री में जमीन देते हैं, आप उसको डेवलप कीजिए। फ्री में जमीन देने की बात वो कर रहे हैं और हमारी समझ से टूटने के बाद जिस स्थिति में थे अगर आज वो खड़े होने की प्रयास कर रहे हैं, हम तो खड़े हैं, हम भी ये प्रयास कर सकते हैं। जी प्रवीण जी, मैं बड़ी साधारण सी बात, ईस्टर्न जो रशिया है वो पूरा बैरन है जी, वहां का क्लाइमेट बहुत ही होस्टाइल है, वहां पर माइंस है, सब कुछ है, चीन का आदमी जो बगल में रहता है तो चीन के आदमी को क्लाइमेट सूट करता है, तो चीन वालों ने थोड़ा सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट कर दिया। राइट। उसके अलावा बाकी उत्तराखंड की समस्या क्या है, यहाँ तो 75% जमीन सरकारी है, वो भी फॉरेस्ट लैंड है, आप एक लेवल से ऊपर जाते हैं तो फॉरेस्ट एक्ट आ जाता है, एक लेवल से नीचे आते हैं तो नदियां आ जाती हैं। सर लेकिन रिवर्स पलायन के लिए हमें कुछ तो ऐसा नियम बनाना पड़ेगा, मान लीजिए मैं बॉम्बे का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं क्यों आऊंगा उत्तराखंड, तो क्यों नहीं आएगा, अगर आपने पैकेज खत्म कर दिया, आप कोई सुविधा देते नहीं हो, जीएसटी लगने के बाद कभी अब आ नहीं सकता, वो तो एक चीज ही खत्म हो गई, समस्या दूसरी है उत्तराखंड। अभिषेक जी प्लीज उत्तराखंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दिल्ली से 8 घंटे की दूरी, राइट, जो वो वीकेंड ट्रैफिक है उसकी एक्सेसिबिलिटी मसूरी और धुलोटी तक ना रह के विभिन्न क्षेत्रों तक जब पहुंचेगी तो उससे रेवेन्यू के रिसोर्सेज काफी बढ़ जाएंगे और वो लोकल स्तर पे भी प्रोवाइड करेंगे कर सकते, पर उसके लिए आपको आपकी रेलवे लाइन कम्प्लीट होनी चाहिए, आपकी ऑल वेदर रोड भी कम्प्लीट होनी चाहिए। जी कुलदीप जी प्लीज, सॉरी कुलदीप जी मैं कह रहा हूँ, अभिषेक जी प्लीज। देखिए सकारात्मक बातें बस दो बोलूंगा, एक ये कि हमने चिपको आंदोलन को जन्म दिया, हमारे प्रदेश ने, हमारे प्रदेश की महिलाओं ने जी, और हमारे प्रदेश ने 12 में से 11 जिला पंचायत अध्यक्षों को महिलाओं को बनाया, हमारे प्रदेश की महिलाएं जिस तरीके से जीवन यापन करती हैं, जिस तरीके से वो एक नेतृत्व देती हैं अपनी अपनी जगह, वो बहुत काबिल तारीफ है, तो बात की जाती है उसकी जी। तो ये बड़ा सकारात्मक, एक बड़ी सकारात्मक चीज है जिससे प्रदेश की सभी महिलाओं को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो कुछ करें, जैसे मशरूम पे महिलाओं ने काफी काम करना शुरू कर दिया उत्तराखंड में, ऐसे ऐसे कुछ कुछ सेक्टर्स में, और सभी उत्तराखंडवासी थोड़ा सा कुछ सोचें, मुझे लगता है जो भी समस्याएं, जड़ी बूटी पर भी काफी काम किया जा सकता है, जड़ी बूटी पर भी काफी काम किया जा सकता है, अलग अलग चीजें, उत्तराखंड की सेहत को
हिमाचल जाकर स्टैंप लगकर उत्तराखंड आने की जरूरत नहीं है, उसको आइडेंटिटी दे सकते हैं। बड़े होटलों को कहा जा सकता है उत्तराखंड के प्रोडक्ट को बाजार नहीं दे पा रहे साहब, हम बाजार नहीं दे पा रहे, हमें ये करना चाहिए इस तरफ। और मुझे लगता है लेकिन आगे भविष्य उत्तराखंड का बेहतर ही होगा क्योंकि हमने इतना बुरा कर दिया है। तो उम्मीद है कि अब हम सब लोग साथ मिलकर इसको एक आदर्श प्रदेश बनाने की तरफ पुरुषोत्तम भट्टी प्लीज। संजय जी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा एक सशक्त लोकपाल की बहुत ज्यादा उत्तराखंड को जरूरत है, जिसके लिए और पॉलिटिकल ड्रामेबाजी टोटल मैंने 19 सालों में देखी, उठा पटक में मिलने के लिए पहाड़ियों के अस्तित्व खोता उत्तराखंड भी हम लोग देख रहे हैं। उत्तराखंड में छोटे छोटे उद्योग हो, चकबंदी हो, लोकायुक्त हो और शिक्षा के क्षेत्र, और ये जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है ये सीधे ऊपर बैठे ताकि हम भी इनसे काम कराने जब ऊपर जाएंगे तो पहाड़ की ओर हमारा रिवर्स प्लान है। कुलदीप जी देखिए, आप जितने हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं हमने देखा होगा बहुत से ऐसे बिंदु हैं, अगर सरकार उसमें से कुछ भी ले ले तो हमारी समझ से राज्य का वह उद्देश्य पूरा होता नजर आएगा। अंतिम में आपसे हम अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए संजय जी, मैंने डिग्री की लाइफ में पढ़ाई की है, मिट्टी के तेल का लैंप है उसमें मैंने पढ़ाई की, और आज मैं जहां बैठा हूं यहां चारों तरफ लाइटिंग चकाचौंध है, ठीक है। राज्य ने विकास किया है, 10 में से 8 अंक नहीं लाया है, 5 अंक लाया है, लेकिन राज्य ने विकास किया। एवरेज की चोटी पर चढ़ना जितना मुश्किल होता है, लेकिन जब उसकी आप चोटी पर पहुंच जाते हो ना तो दुनिया में आपका नाम होता है। जरूरत है मजबूत सशक्त योजनाओं को पहाड़ पहुंचाने की, जो पहुंच नहीं रही है, ठीक। और खामी नेताओं की नहीं है, क्योंकि ये नेता भी हमारे पीछे निकल के आए हैं, वो प्रधान भी हमारे पीछे निकल करके आया है जो प्रमुख बनाने में बिक रहा है, वो जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हमारे पीछे निकल करके आया है जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में बिक रहा है, ठीक। और ये विधायक भी हमारे पीछे निकल करके आए हैं, कल तक कोई आपके पास बैठे थे कोई हमारे पास बैठे थे, मेरे तो 3 जूनियर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ते हैं। धन्यवाद, आप हमारे बीच के लोग हैं और ये हमें तय कर, अगर ये राज्य उत्तर प्रदेश से अपने अलग राज्य के लिए लड़ सकता है तो क्या ये राज्य रोजगार और विकास के मुद्दों पर एक बार फिर क्या आंदोलन में नहीं आ सकता? सही बात है, हमने इस राज्य को लड़के जीता है, लड़के इस राज्य को बनाया है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, आप सभी लोगों से और अपने दर्शकों से, बंद तो गया लेकिन बचाने की बारी है, और बचाने के लिए आप हर अपने स्तर से प्रयास कीजिए। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पैनलिस्ट के साथ साथ हमारे दर्शकों को हमारे 19वीं वर्षगांठ पे बहुत बहुत बधाई, खुशी रहिए, हंसिए, क्यों, क्योंकि आप अपने प्रदेश में है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, भारतवर्ष का सबसे सुंदर प्रदेश है, इसलिए क्या हो रहा है उस पर मत ध्यान दीजिए, मस्ती से लाइव दीजिए, जीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आईटीवी हिंदुस्तान।